एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है सैटरडे और अभी है सुबह का वक्त, और सुबह में आज 7 बज चुके हैं क्योंकि मैं कुछ देर से इधर बैठी थी और थोड़ा सा धूप भी आ गए हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं रात को ही घर का क्लीनिंग वगैरह करके रख ही देती हूँ, फिर भी हमारा रिचुअल है सुबह उठ के पहले घर डस्टिंग और झाड़ू वगैरह कर देना है, तो इस वजह से मैं इसको कर रही हूँ। और अभी इसके बाद मैं कुछ साउथ का फूड बनाएंगे, तो इस रात को ही मैं एक्चुअली चावल और उड़द दाल उसके साथ कुछ मेथी दाने दे के भिगा के रखी दिए थे, और अभी तो 7-8 घंटा भीग भी गए हैं। और चावल के अंदर मैं थोड़ा सा मतलब 10-12 दाने चने के दाल भी डाल के भिगा के रखी थी, तो इस वजह से ऐसे लगता है कुछ कलर में चेंजेस आता है, अच्छा कलर होता है। तो अभी वो भीग भी गया है, इसको पीसना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आज है सैटरडे, और सैटरडे के साथ साथ मैं कल रात को बहुत सारे बैटर है राइस, और उसके साथ साथ है जो कलाई की दाल होता है ना, अरहर की दाल उसको भिगा के रख चुकी हूँ। तो उसके साथ साथ मैं तो चावल और जो कलाई की दाल होते हैं अरहर की दाल वो भिगा के रख दिए हैं। और तो ये है चावल और उसके साथ है उड़द दाल, थोड़ा सा मेथी के दाने और कुछ दाने चना दाल, मैं ओवरनाइट सोक करके रख चुकी थी और अभी बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसका अभी एक बैटर बना लेते हैं। उसके साथ साथ जो भी है मतलब थोड़ा सा मेथी दाना ये सब मैं भिगा के रख चुकी हूँ। तो मैं सोच रही थी आज बहुत सारे बैटर बनाई हूँ, तो साउथ का कुछ फूड बनाएंगे। अब मैं एक चटनी बना लेती हूँ, चटनी है ऑनियन और टोमेटो से बनाए हुए, चटनी बना लेते हैं पहले। और उसके बाद अब आलू भी बॉईल करके रख चुकी हूँ, आलू के इससे सब्जी बनाऊँगी, सांभर बनाऊँगी। सांभर का रेसिपी आज नहीं दिखाऊँगी, फिर कभी दिखाना है, और नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाते हैं इस वजह से। तो अभी मैं चटनी बना ली। अभी तो इधर लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो सारा दिन में तो कई बार क्लासेस वगैरह चलती है, तो इसके बजाय से घर पे लैपटॉप वगैरह ऑन रहती है। कुछ कपड़े थे कल भीगा हुआ था, अभी सुबह तो सब सूख भी गए हैं, और उसको अभी सेट करके अपने अपने स्थान पे रख देती हूँ। तो फिर अभी चलते हैं, और इसके साथ साथ किचन की तरफ जा रही हूँ। अभी मैं एक चटनी बनाऊंगी, वो है टमाटर और अनियन का चटनी, तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं इडली के साथ, थोड़ा सा स्पाइसी होने से तो बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। और अभी इसीलिए मैं ऑयल में थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च और जीरा डाल दिए थे, साबुत जीरा, और इसके बाद ऑनियन रिंग स्लाइस किया हो ऑनियन, उसको अच्छी तरह हल्का सा ब्राउन होने तक भूनूंगी थोड़ा सा नमक डाल के। और इसके बाद स्लाइस किया हो 3-4 टमाटर है उसको डाल देती हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा नरम होने के बाद फिर अपने हिसाब से जितना तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से अब मिर्ची डाल दीजिए, ग्रीन चिलीज मैं डाल चुकी हूँ, मैं तो इधर 6-7 नंबर्स ऑफ ग्रीन चिलीज डाल चुकी हूँ। और उसके साथ साथ ये है रोस्टेड चना डाल, इसको आप चना बोल सकते हैं, रोस्टेड चना, उसको अभी डाल देती हूँ। और इसको अभी अच्छी तरह पकाना है, और कुछ कली मैं लहसुन भी डाली थी, आप चाहे तो थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, और लहसुन नहीं डालने से आप थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं अच्छी तरह इसको पकाऊंगी नरम होने तक। तो अभी मैं 3-4 स्पून के करीब पानी डाल देती हूँ, और इसको अच्छी तरह कुक करना है, और कुक 3-4 मिनट, फिर ठंडा होने के बाद इसको पीस लूँगी।
अभी मेरा चटनी बन गया है और थोड़ा सा गर्मी लग रहे हैं, और चटनी बनाने के बाद फिर से मैं इडली भी बना लेती हूँ सुबह के नाश्ते के लिए, सांभर भी बना लिए हैं, और आलू तो पहले से, अभी फिलहाल पंछी डक रहे हैं, पंछी बुला रहे हैं। इडली बनाने के साथ साथ मैं थोड़ा सा इडली भी बना लेती हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अभी इडली बना लेती हूँ, झटपट से हो जाएगी और टेस्टी भी होते हैं, और इडली के साथ चटनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। तो पहले मैं इडली स्टैंड को थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर देती हूँ, इससे इडली चिपकते नहीं है। और दूसरे जो कुकर में है, जिसमें मैं थोड़ा सा पुराना कुछ कुकर में जो केक बनाना है कि इडली बनाना है इसके लिए यूज़ करती हूँ, बहुत ही पुराना है ये कुकर, और इसको मैं थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा पानी डाल के, कुकर में पानी डाल के मैं उबलने के लिए रख दिए है। तो आज ज़्यादा फोकस नहीं की तो इसलिए मैं बोल दिए। और देखिए अभी बैटर रेडी है बिल्कुल से, थोड़ा सा नमक डाल के मैं बैटर रेडी कर चुकी थी। तो अभी एक एक करके इडली स्टैंड के अंदर इसको डाल देती हूँ, और कुकर में जो पानी डाली थी वो स्टैंड के नीचे तक आएगी, स्टैंड के ऊपर तक अगर पानी डाल देते हैं तो इडली के अंदर पानी आ जाएगी और इडली खराब बनेगी। अभी स्टैंड के ऊपर इडली बैटर डाल चुकी हूँ, और ये जो मैं ढक्कन लगा रही हूँ इसमें गास्केट तो है लेकिन ऊपर कुछ लीड नहीं है, और चटनी भी मैं पीस के रख चुकी हूँ, और इसके साथ थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे। और अभी चटनी को थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, तो ऑयल में थोड़ा सा लाल मिर्च और हींग डाल दिए थे, तो हींग डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो चटनी को मैं डाल देती हूँ, और कुछ देर चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अगर अब ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो चटनी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा आएगा। और मैं अभी थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक मतलब थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा आएगा तो टेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ अब ठंडा होने के बाद इमली का पानी डाल सकते हैं, और नहीं तो दही भी ऐड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का जो भी काम था और एवरीडे मॉर्निंग जो कोर्स था वो सब कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैं अभी तो नहाना वाना हो गया है, और नहाने के पहले मैं कुछ बना के भी गई थी, और आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हाथ साउथ इंडियन फूड डे बनाते हैं। तो इस वजह से कल रात को मैं राइस वगैरह तो भिगा के रखी थी, दिखाई थी, आज सुबह पीस लिए, और पीसने के बाद फिर से उसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिए थे। तो अभी उसका फर्मेंटेशन हो चुकी है, और फिर मैं चटनी भी बनाई, टमाटर की चटनी बनाई, सांभर बनाई, सांभर रेसिपी आई थी, सांभर भी बनाई, तो आलू की सब्जी भी बनाई है। तो कुछ तो मॉर्निंग में खाने के लिए मैं इडली बना चुकी थी, तो इडली तो मैं ब्रेकफास्ट में लिए थे। आज हेयर वॉश भी किए हैं, तो हेयर वॉश करने के बाद चूल थोड़ा सा रूखा सूखा हो जाते हैं, और कंडीशनर लगाना ठीक है, कंडीशन मैं लगाती नहीं हूँ, सोच रही थी कंडीशन लगाना चाहिए, लगाऊंगी, बट अभी बच गए हैं, बड़ा बच गए हैं, और क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ हो गया था, और अभी नहा वहा के तो चली आई हूँ, और अभी डोसा बनाना है, तो डोसा बनाने के लिए अभी जाऊंगी किचन पे, और उसके साथ साथ क्या क्या सब्जी वगैरह बनाए हैं वो भी दिखाती हूँ। तो फिर चलते हैं अभी किचन की तरफ। मसाला डोसा बनाना है तो इसके बजाय से आलू की एक सब्जी बना लेते हैं, बहुत सारे प्याज डाली हूँ, और उसके साथ ग्रीन चिलीज, और बॉयल पोटैटो मैं तो कर चुकी थी, मतलब पोटैटो बॉयल करके रख दिए थे, उसको भी ऐड कर देती हूँ। और ज़्यादा रेसिपी मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो अब देखते देखते अच्छा नहीं लगेगा इतनी सारी रेसिपीज, तो इसके वजह से मैं इसको थोड़ा सा चलाने देते हैं। अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और तूफान होने के बाद ना कुछ दिनों से वेदर काफ़ी अच्छा रहते हैं,
थोड़ा सा क्लाउड है आज, और कुछ दिनों से धूप कम आते हैं और क्लाउडीनेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से अच्छा लग रहा है। कभी कभार किसी किसी को ना शैम्पू लगाने के बाद एकदम से कुछ ऐसे नहीं फील होते कि शैम्पू लगाए हैं, लेकिन मेरे हेयर पे अगर मैं शैम्पू भी लगा दूँगी ना तो इसके बाद कंडीशनर नहीं तो ऑयल कुछ भी लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे तो मैं कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, लेकिन ऑयल ज़रूर। थोड़ी देर इधर बैठ जाती हूँ और फिर इसके बाद डोसा बनाने के लिए। कल कुछ मैंगोस लाए थे, एक्चुअली क्या हुआ था इधर यास के प्रभाव से बहुत ही तूफान हो रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे पेड़ से मैंगो का फलन निकल जा रहा था। तो इस वजह से फार्मर्स लोग क्या कर रहे थे, तो उन लोग ज़्यादा करके जैसे कि ख़राब नहीं हो जाए, तो इस वजह से मार्केट में मैंगोस का जो फलन है उसको बहुत सारे लेके आ गए थे। कोई कोई ऐसे होते हैं ना जो दर दाम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से अच्छा होगा कि अगर उन लोग जो बिक्री कर रहे हैं वो हम ले लें और उनको भी ज़्यादा टाइम बैठने नहीं पड़ेगा इस करोने के टाइम। अभी तो सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, तो उस वजह से इन लोग को भी इतना देर तक बैठना नहीं पड़ेगा और कर सकते हैं। हम लोग भी मार्केट जा रहे हैं तो एक साथ ज़्यादा करके लेके आना ठीक होगा। तो इस वजह से दोनों तरफ से ही मतलब इतने देर तक बैठे नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा जितना जो जल्दी हो सके बिक्री हो जाते हैं, और हमारे तरफ से भी हम एक दिन जाके फिर बहुत सारे शॉप मार्केटिंग करके लेके आ सकते हैं। लेकिन इतनी प्रभाव चल रहा है कोरोना के लिए तो टाइमिंग भी बंद हो गया, लॉकडाउन जैसा परिस्थिति लॉकडाउन ही चल रहा है घर पे, तो अभी सब घर में है इस वजह से। नहीं तो ऑफिस वगैरह सब रहते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादा जितना भी हो सके वो शॉप मार्केटिंग करके लेके आ गए हैं। तो इसी वजह से अगर हम लोग भी फार्मर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं तो उन लोग भी जब जो भी लाते हैं उनको ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा, हम लोग तुरंत ले लेते हैं तो अच्छा है। और उसके साथ साथ हम लोग भी ज़्यादा रोज़ रोज़ मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, तो एक साथ हम खरीदारी कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ मैंगोज़ वगैरह लेके आए हैं, उसको वॉश करके रख चुकी थी और अभी सूख भी गए हैं, उसको फ्रिज में डाल दिए हैं। तो आज शाम के टाइम मैं सोच रही हूँ कुछ मैंगोज़ वगैरह ही खा लेंगे, और बहुत ही टेस्टी था। बगीचे से आए हैं, एक्चुअली सभी बगीचे के हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये बगीचे के है ये इसका फल अच्छा होगा, आने में सचमुच ही बहुत ही अच्छा था। तो इस वजह से और हम लोग मैंगो सभी उसको खाएंगे कुछ देर बाद, लंच के बाद आने तो रात को खाएंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि टाइम हो चुकी है, हम बना लेते हैं डोसा, तो चलते हैं अभी किचन की तरफ। मैं आलू की सब्जी बना के ही रख दिए है, आलू की सब्जी बना के रख और सांभर भी बना चुकी हूँ, और इसको थोड़ा सा गर्म भी कर देते हैं, इडली के साथ सांभर काफी अच्छा जमते हैं। और बैटर तो रेडी कर ही चुकी हूँ, बैटर मैं इसके साथ जो डोसा बनाना है इसे कुछ लेके फिर थोड़ा सा पानी डाल के 15-20 मिनट कम से कम इसके कवर करके रख देना है, फिर इसके बाद बनाऊंगी। अभी डोसा बैटर रेडी हो चुकी है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, जितना मिक्स कर देंगे तब इतने अच्छे तरह उसका डोसा बन के रेडी हो जाएगी। और ये था वो मैंगो, मैं धो के फिर सुखा के रख चुकी हूँ और काफ़ी टेस्टी है, सच्ची में बहुत ही टेस्टी है। और अभी तवा पे ऑयल ग्रीस कर देती हूँ और एक एक करके डोसा बना के रेडी करूँगी। कुछ प्लेन डोसा है और कुछ मसाला डोसा। मसाला डोसा यानी जो आलू की सब्जी बनाई थी उसके डोसा के अंदर डाल के फिर इसका डोसा मसाला डोसा रेडी करना है। अगर आप चाहे तो मसाला डोसा बनाने के टाइम थोड़ा सा चटनी स्प्रेड कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर
आलू की सब्जी डाल के फिर आप सर्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए एक एक करके मेरा डोसा बन के रेडी हो रहे हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं, कुछ भी नहीं। और अब पतला बनाना चाहते हैं तो पतला बनाइए, तो थोड़ा सा थिक भी बना सकते हैं। और अभी देखिए एक एक करके मेरा डोसा रेडी हो चुकी है और फिर से मैं बस आलू स्पेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद इसको फोल्ड करके सर्व कर दूँगी। और इसके साथ डोसा के साथ आप अगर चाहे तो आप थोड़ा सा बटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब डोसा के ऊपर बटर डाल के खा के देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक दीजिए, एक लाइक देने से बहुत मोटिफिकेशन मिलते हैं। और इसके साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई एक ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।